गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आर्य हेल्दी फूड चैनल पर। सभी को जय माता दी, जय श्री राम, हर हर महादेव। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ हेल्दी एंड टेस्टी सूप की रेसिपी। तो सूप बनाने के लिए हमने ले लिया है 2 टमाटर, 1 गाजर, 2 चुकंदर और थोड़ा सा धनिया। फ्रेंड्स, धनिया हमने इसलिए लिया है, ये पाचन शक्ति को बढ़ाने और कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करता है, किडनी और डायबिटीज़ में भी ये बहुत असरदार है। चुकंदर मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये हमारे बॉडी के टॉक्सिन को, इसका जो जूस होता है ये हमारे बॉडी के टॉक्सिन को बाहर निकालता है। फ्रेंड्स, चुकंदर में आयरन भी बहुत होता है और ये लीवर के सूजन के लिए तो बहुत ही लाभकारी होता है। और फ्रेंड्स, टमाटर में तो बहुत ही ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है जो कि सभी को पता है। गाजर मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसमें विटामिन ए पाया जाता है और ये आँखों के लिए भी बहुत लाभकारी होता है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए फ्रेंड्स, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सभी को छोटा छोटा काट लिया है। अब हम बहुत से लोग होते हैं जो कि काट के भी सूप बनाते हैं, पर आज मैं बहुत अलग तरीके से सूप बनाऊंगी। काटने से ना जो होता है फ्लेवर वो आधा अधूरा ही आता है। तो मैं जिस तरीके से बताऊंगी उस तरीके से आप अपने घर में सभी फैमिली बच्चों को बना के दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, सूप बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक मिक्सर जार लेना है और मिक्सर जार में इन सभी को थोड़ा थोड़ा, एकदम बहुत ज़्यादा नहीं पीसना है, बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है, चटनी जैसा नहीं पीसना है, इसको दरदरा टाइप में पीसना है। तो सबसे पहले मैं सारी चीज़ों को पीस लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने बीटरूट डाल दिया है, अब मैं इसी के साथ गाजर डाल दूंगी। तो फ्रेंड्स, बीटरूट और कैरेट डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि अच्छे से दरदरा पीस जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमें इस तरीके से इसको पीसना है, हल्का दरदरा, ये देखिए ऐसे, पूरा पेस्ट नहीं करना है, इस तरीके से इसको पीस देना है। और फिर उसके बाद हमें एक प्रेशर कुकर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, प्रेशर कुकर में पहले हम ये डाल देंगे पूरा अच्छे तरीके। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे मिक्सर जार में और धनिया डाल देंगे, साथ ही में सब डाल देंगे, टमाटर और धनिया अच्छे तरीके से इसको डाल करके और अच्छे से पीसना है। इसको भी पेस्ट नहीं करेंगे, दरदरा ही पीसेंगे। फ्रेंड्स, टमाटर का हमें पेस्ट चाहिए, टमाटर और धनिए का। ये देखिए, इसको मैं डाल दूंगी ऐसे। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद हम सौंफ लेंगे, मरीच लेंगे और जीरा लेंगे, इन तीनों को अच्छे तरीके से पीस लेंगे पहले। फ्रेंड्स, सौंफ मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये हमारे शरीर के मोटापा को कंट्रोल करता है और शरीर के अंदर जितनी भी सूजन है उसको कम करता है, और सौंफ से टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। इन तीनों को मिक्स करके पीस लेंगे, पीसने के बाद हम सूप में डालेंगे जिससे उसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। फ्रेंड्स देखिए, मैंने तीनों को पीस लिया है, अब 1 चम्मच हम ये डाल देंगे। फ्रेंड्स, मैं सूप 4 लोगों के लिए बना रही हूँ, तो इस गिलास से 4 गिलास सूप में पानी डाल देंगे। पानी आप अपने अकॉर्डिंग डालें, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आपको सूप पीना है। गाढ़ा पीना है तो पानी कम डालिए, और पतला पीना है तो पानी ज़्यादा डाल सकते हैं। हम इसे गैस पर चढ़ा देंगे बिल्कुल हाई फ्लेम पे, और 2 सीटी लगने तक सूप को उबालेंगे। फ्रेंड्स, मैंने कुकर गैस पे चढ़ा लिया है और देखिए बिल्कुल तेज़ आँच पे। अब हम इसको 2 सीटी लगने तक वेट करेंगे, 2 सीटी के बाद हम इसको उतार देंगे। फ्रेंड्स, 1 सीटी लग चुकी है, अब हम 1 सीटी और लगाएंगे। फ्रेंड्स, 2 सीटी लग चुकी है, अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग इसकी सीटी ऐसे। ये देखिए फ्रेंड्स, जूस पक चुका है, और चाय वाली जो छन्नी होती है इससे हम जूस को छानेंगे। लेना है चाय छन्नी, और फिर उसके बाद इसको इस तरीके से छान करके जूस को निकाल लेना है ताकि जूस नीचे आ जाए और जो उसका वेस्ट मटेरियल है, ये देखिए, ये किसी काम का नहीं, इसमें से सारा जूस निकल चुका है, जितने भी पौष्टिक आहार थी इसमें सब निकल चुकी है। ये देखिए फ्रेंड्स, सूप पक चुका है और पीने के लिए एकदम तैयार है, हेल्दी और टेस्टी सूप। तो इस तरीके से अगर आप सूप बनाएंगे तो आपके फैमिली मेम्बर्स को बहुत पसंद आएगा। तो मेरी ये सूप की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम।